हमारे मध्य श्री ओम प्रकाश जी कुमावत विराजमान है। इन्होंने अपने जीवन को पर्यावरण के लिए समर्पित किया है। जिले का कोई भी कोना हो, बड़ा इनको देखकर हर्ष होता है। 15 मार्च को मेरा भी जन्मदिन था, दो दिन पहले ही आपने मुझे फोन किया कि मैं आपके विद्यालय में आकर के पौधारोपण करूंगा। मोटरसाइकिल पर, दुपहिया वाहन पर 5-7 फीट लंबा पौधा लेकर के चलना, ये बहुत बड़े पर्यावरण प्रेम को दर्शाता है। यहाँ यदि सिरोही नर्सरी से भी पौधा किसी को लेकर के आने को कहे तो वो इसमें लोग हिचकिचाहट महसूस करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर मोटरसाइकिल पर पौधा लेकर के आता है, उनके समर्पण को अपन समझ सकते हैं। आप विगत कई वर्षों से इस मिशन को लेकर के चल रहे हैं, एक व्यक्ति एक पौधा, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भाई ओम प्रकाश जी आप भी हमारा मार्गदर्शन करा। यहाँ पे उपस्थित आज विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर आज डीओपी साहब का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज जिला मुख्यालय पे हमारी टीम को यहाँ पे इस अवसर पर बुलाया गया। और जैसा कि आपको विदित होगा कि आज विश्व वानिकी दिवस है, पूरे विश्व के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा 2012 के अंतर्गत 21 मार्च को सभी देशों ने एक ऐसा फैसला लिया कि भाई वनों का क्या महत्व है। पूरे भारत भर में नहीं, अन्य देशों के अंदर भी आज विश्व वानिकी दिवस मनाया जाएगा और इसका एक ही मोटो है, वनों का संरक्षण। जैसे मैं आपको पूछूं कि भाई वनस्पति का क्या महत्व है, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन मिलती है, वो ये सब तो ठीक है, मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वनस्पति के बिना इस संसार है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि आप ये घर पे एक मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त करते हैं ना, जब एक छोटा सा कलश लेते हैं, कलश के अंदर आप गेहूं का रोपण करते हैं, वो किस लिए करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि कोई भी शुभ कार्य से पहले उस मतलब उस घर के अंदर एक सकारात्मक एनर्जी आनी चाहिए, ऊर्जा आनी चाहिए, और इसीलिए वो इसका रोपण भी करते हैं। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि वन ही इस संसार की वनों की सेवा और वनों का संरक्षण इस संसार की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। और यहाँ पे उपस्थित जो रॉवर है, जो स्काउट गाइड से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी है, वन विभाग से जुड़े हुए पदाधिकारी है, और मैं आपका पुनः एक बार आभार करता हूँ। जय जय भारत। बहुत संक्षिप्त में भाई जी ने पेड़ पौधों का, आप सबको पता है जब से अपन ने विद्या अध्ययन शुरू किया है।